भारत महिमा इस कविता को सुनने के बाद अब हम इस कविता की पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। भारत महिमा इस कविता की इन पंक्तियों से भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में उषा अर्थात सुबह की किरणों ने हंसकर भारत देश को किरणों का उपहार अर्थात भेंट दिया है। सूर्य की प्रातःकालीन किरणें जब ओस की बूंदों पर पड़ती है तब ऐसा लगता है जैसे भारत देश का अभिनंदन करते हुए उषा अर्थात सुबह की किरणें भारत देश को हीरों का हार पहना रही हो। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत देश में हुआ, अर्थात सबसे पहले हम भारतवासी ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग गए। समस्त अर्थात पूरी दुनिया में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था, उसे दूर करके सभी भारतवासी ने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का पुनित अर्थात पावन कार्य किया, जिससे संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारत महिमा इस कविता की इन पंक्तियों से कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि संगीत की देवी मां सरस्वती ने अपने कोमल हाथों में वीणा उठाई और संगीत का अमृत पान भारतवासियों को करवाया। वीणा की झनकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। इसी तरह भारत देश में संगीत के वेद साम वेद की रचना हुई। भारत देश पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और धर्म के रक्षकों ने संसार में धर्म का प्रचार किया। भारत देश में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुषों ने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु बनकर घर घर घूमकर लोगों के कष्ट दूर करने का प्रयत्न किया, धर्म का प्रचार किया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारत महिमा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारत देश वीरों की भूमि है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने अपने कट्टर शत्रु मोहम्मद गोरी को भी दयापूर्वक क्षमा दान दे दिया था। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। हमारे भारत देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। सम्राट अशोक ने स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धम्म और संघ का ज्ञान कराया। सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांतों से भी अवगत कराया। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। यह भूमि प्राकृतिक घटकों से सदैव संपन्न रही है। प्रकृति की हमारे भारत देश पर महान कृपा रही है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है, इसकी हम संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहां बसे नहीं हैं। चरित्थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व,
किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भारत महिमा इस कविता की इन पंक्तियों से कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा से ही पवित्र रहा है, हमारी भुजाओं में शक्ति का संचार होता है, अर्थात वीरता की कभी कमी नहीं रही है, साथ ही विनम्रता अर्थात नम्रता हमारा गहना है, हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है, हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर अर्थात तैयार रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि संचय करना अर्थात धन और संपत्ति इकट्ठा करना भारतवासियों की एक खूबी है, लेकिन उस संचय का उद्देश्य दान होता था, दान वीरता भारतीयों का गुण रहा है, हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता समान माना जाता था, भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे, हमारे हृदय में तेज था गौरव था, हम हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे, अर्थात हमारी प्रतिज्ञा दृढ़ होती थी, वही है रक्त वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारत महिमा इस कविता की इन पंक्तियों से कवि कहते हैं कि भारतवासी अपने अतीत के गौरव को नहीं भूल सकते, इतने युगों के बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी हैं, आज भी हमारी रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति एवं वही ज्ञान विद्यमान अर्थात मौजूद है, हम वही दिव्य आर्य संतान है जिससे वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा, भारतीय लोगों के मन में आज भी शांति और सामर्थ्य मौजूद है, हम अपना जीवन भारत देश के लिए समर्पित कर प्रसन्न और गौरवान्वित है, हमें अभिमान है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है, यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है, यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दे। संदेश: भारत महिमा इस कविता द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने देश की संस्कृतियों और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए और उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना।